कोरोना के इस संकट काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देश सेवा में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ संघ कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंद और गरीबों को लगातार भोजन और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संघ ने भोपाल के कई हिस्सों में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया और महामारी से बचने के लिए कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने हर मुसीबत की घड़ी में देश का साथ दिया है। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में भी आरएसएस ने सरकार और जरूरतमंदों की मदद की। आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल में लॉकडाउन के दौरान लगातार गरीबों को रोज राशन और भोजन वितरित किया जा रहा है। भोपाल में आरएसएस अब तक 40,500 पैकेट भोजन और 710 पैकेट राशन वितरित कर चुका है। आरएसएस द्वारा अयोध्या नगर, टीटी नगर, जवाहर चौक, कुफा मंदिर सहित कई स्थानों पर कोरोना योद्धाओं का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया और महामारी से लड़ने के लिए जरूरी सामान बांटा गया। स्वयं सेवकों ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को उनके जरूरत के सामान के साथ मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया। टीटी नगर के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों का भी सम्मान कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, उन पर पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही सभी कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइजर एवं मास्क बांटे गए। गांधी नगर में आशा कार्यकर्ता, नगर निगम सफाई कर्मी और अन्य सेवा योद्धाओं का सम्मान किया गया और जरूरी सामान दिया गया। इस दौरान संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ द्वारा लगातार प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है और उनके निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।